आज मैं आपको बताने वाला हूँ मॉल में चोरी, क्लेप्टोमेनिया, इसके बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य, व्यसन मुक्त भारत हमारा संकल्प है। हमारे यहाँ मनोरुग्ण आते हैं, व्यसनी लोग आते हैं, रिश्तेदारों के साथ में उनका इलाज करते, बिना रिश्तेदार इलाज करते रहते और लोग अच्छे हो जाते। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक केस हिस्ट्री, एक केस स्टडी की, जिसमें एक 20 साल का लड़का मेरे पास में लाया। उसको 3 दिन पहले पुलिस ने पकड़ लिया पूना में। एक मॉल में वो गया था अकेला ही, और मॉल में उसने शर्ट चोरी कर ली। वो मॉल में वो कैमरे में पकड़ा गया, कैमरे में दिख गया कि कोई उठा के ले जा रहा है बिना पैसे देके। तो उन्होंने उसको पूछा कहाँ का है, उसको लोगों को बुलाओ, घर के लोगों को बुलाओ। तो उसके वहाँ रिलेटिव थे, लड़का अकोले का था, मतलब उसके माँ बाप अकोले के हैं। तो मॉल के जो मतलब जो दुकानदार है, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस आ गए, फिर वो उसके रिलेटिव आ गए, फिर उन्होंने वो मैटर सलटा दिया इन शॉर्ट, और फिर उसको छुड़ा दिया। पिताजी गए वहाँ से, उसको लाया। फिर मेरे यहाँ लाया कि उसका करना क्या है। ये लड़का डीफार्म में उसने एडमिशन लिया, डीफार्म में अभी भी एडमिशन लिया, और उसका मन नहीं लग रहा पढ़ाई में। उसको लग रहा है कि नहीं, अपन ने घूमना फिरना क्या होता है कि बच्चों को आजकल ऐसा हो गया कि एजुकेशन के लिए बच्चे बड़े शहर में जाना पसंद कर रहे हैं। छोटे शहर में नहीं होना है, छोटे शहर का है। बोले नहीं, मैं यहाँ डीफार्म नहीं करूँगा, मैं तो पूना में करूँगा। और वो जानबूझ के मतलब ज़बरदस्ती करके वो पूना में उसने एडमिशन ली। फिर अभी लुकिंग बैक, जब वो पीछे देख रहे अभी माँ बाप, तो उनको लग रहा है कि घर में भी इसने पहले चोरी किया होगा। फिर धीरे धीरे उन्होंने साइकोलॉजिकल हमारे काउंसिलिंग में जब हम हिस्ट्री ले रहे थे उसमें उन्होंने कबूल किया पेरेंट्स ने कि हमने इसके ऊपर ख्याल नहीं दिया। इसको बचपन से ही आदत है, क्योंकि उनको पहले शर्म आ रही थी बोलने के लिए कि बच्चा चोरी करता है। फिर धीरे धीरे बोलने लगे कि बच्चा बचपन से हमको लगता है कि चोरी करता हूँ घर में, कभी पैसे चोरी करता था, हमको ख्याल नहीं आया, डाउट आ रहा था, पर हमने कोई उसके ऊपर ख्याल नहीं किया। लोगों के कुछ सामान उठा लेना, किसका कुछ फ़ोन उठा लिया, हालांकि घर की परिस्थिति अच्छी है, घर में कोई पैसे की कमी नहीं है। वो फ़ोन उठाएगा किसका और कहीं डाल देगा, ऐसा नहीं कि लेके वापरेगा, मगर उसको फ़ोन उठाने की इच्छा हो जाती है और फ़ोन उठा के वो मतलब चोरी करेगा, उसमें उसको मज़ा आता है। उसका डोपामिन सिक्रेशन, सेरोटोनिन सिक्रेशन उसमें बढ़ जाता है, चोरी करने में मज़ा आता है उसको। तो ऐसे वो मज़े करने में उसने वो उठा लिया। उसको हमने 2-3 बार काउंसिलिंग के बुलाया। काउंसिलिंग में उसको समझाया कि भाई तू यदि ऐसी बेजवाबदार से मतलब ऐसा बर्ताव करेगा तो आगे क्या होगा, पुलिस कंप्लेंट होगी। आपको अच्छा एजुकेशन ले रहे तो आगे कैसा क्या होगा, यदि पुलिस कंप्लेंट होगी, पुलिस केस चल रही है आपके ऊपर, मतलब फौजदारी लाइक क्रिमिनल ऑफेंस आपने किया हुआ है, कोर्ट में केस चल रही है, और ऐसा रिकॉर्ड देखे ना आपको कहीं बैंक से लोन मिलेगा, ना आपको कहीं आप फॉरेन जा सकोगे, मतलब ये हर जगह प्रॉब्लम आ जाएंगे, क्या चालू है तुम्हारा। तो उसको काउंसिलिंग में उसको पूरा क्लियर हो गया कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ ये अभी तक बचपना था, अभी अकेला पूना में है और अकेला वहाँ, उसके ऊपर जिम्मेदारी से उसको रहना है। उसने कबूल किया कि अभी इसके बाद में मैं करूँगा नहीं। उसने माँ बाप के पैर छुए, यहाँ हमने उसको ऑब्जर्व किया फिर और कुछ दिन कि भाई कैसा रह रहा है। अभी माँ बाप को भी काफ़ी डिफरेंस दिखा कि बहुत सारा अभी ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत सारा डिफरेंस है अभी, और उनको लगा कि नहीं अभी जा सकता है और अकेला जाके वहाँ पूना में रह सकता है। जब उनको ये विश्वास आया, ये काउंसिलिंग से उसके साथ में बातचीत करके, तो उन्होंने उसको पूना में वापस भेजा। अभी पूना में जाके वो स्टडी कर रहा है। तो ऐसा काफ़ी बार होता है कि एक क्लेप्टोमेनिया नाम की बीमारी होती है, जहाँ उसको इररेजिस्टेबल डिज़ायर टू स्टील द थिंग्स, चोरी करने की उसको बहुत ऐसी इच्छा हो जाती है। और ऐसे चिल्लर चीजर बच्चे उठाते हैं, रबर है, स्क्रैचिंग रबर है, पेंसिल है, पेन है, कि जिसका ऐसे कोई महंगी नहीं, मगर उठा लेते हो, उनको मज़ा आता है। तो और वो हैबिट बचपन से उनको लगी रहती है, मगर वो मालूम नहीं पड़ता, बच्चे रहते हैं तो उसमें ख्याल नहीं जाता ज़्यादा, और छोटी छोटी चीज़ें उठाते इसलिए भी ख्याल नहीं जाता। मगर ये वहाँ के वहीं यदि उसका इलाज नहीं किया तो बड़ा होने के बाद में क्या होता है, ये आपने देख लिया है। तो ये लोगों को फैलाओ, बताओ लोगों को, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन आता है उसके ऊपर क्लिक करो, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।